Hello guys, welcome back to my channel BTech Smart. I hope you guys are doing well. So guys, जैसा कि आपको पता है आज के वीडियो को मैं लेके आया हूँ आपके लिए Redmi Note 9 अनबॉक्सिंग. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल सी व्हाट वी विल फाइंड आउट इन दिस बॉक्स. सो उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो देन प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. तो मेरे नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ मेरा नोटिफिकेशन उस तक आपको आ जाए. सो लेट्स बिगिन. सो आई विल शेयर सम डिटेल्स जो यहाँ पे बॉक्स पे मेंशन की हुई है ऑलरेडी, वो थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ आपके साथ. तो जो इस बॉक्स में क्या है, Redmi Note 9 में 48 मेगापिक्सल अल्कोड कैमरा, हाई परफॉर्मेंस Helio G85 प्रोसेसर के साथ आ रहा है जो स्पेशली गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है. 6.53 इंच की डिस्प्ले है, डॉट डिस्प्ले फुल HD प्लस है, 5020 मिली एम्पीयर की बैटरी है. ठीक है, जो मेरे पास है जो अभी कलर आया है वो आर्कटिक वाइट कलर है, 4GB 128GB बेस के साथ, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया का स्टैम्प के साथ आया है. So let's unbox it. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर सिम कार्ड रिमूवर है, यहाँ पे कुछ यूजर गाइड आई है. ठीक है, और ये केस है हमारा, ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, फर्स्ट टाइम MI वालों ने थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का केस दिया हुआ है. उसके बाद हम देखते हैं ये रहा फोन. ओके फ्रेंड्स, हमारे पास आर्कटिक वाइट कलर का फोन है अभी. ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइप सी USB केबल है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे हमारे पास है 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स. ओके, सो हम अभी ये सब चीज़ों को साइड पर रखते हैं, लेट्स बी फोकस ऑन द फोन. सो लेट्स सी, नाइस. सी आर्कटिक वाइट है. ओके फ्रेंड्स, सी देखने से ये ग्लास नहीं है, ये एक्चुअली प्लास्टिक बॉडी है. देर इज़ अ 1.48 मेगापिक्सल मेन कैमरा. ओके, दैट्स अनदर इज 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइट, थर्ड वन इज 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस एंड द फोर्थ वन इज 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर जो LED फ्लैश के साथ है, और आप HDR और पैनारोमा में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p 830 फ्रेम्स पर सेकंड. देख सकते हैं यहाँ पे एंड तक कर्व में है, तो जो उसका ग्रिप रहेगा बहुत ही बेहतरीन ग्रिप है, इवन लुक वाइज भी बहुत ही बेहतरीन मॉडल है ये. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं उसके पोर्ट्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्पीकर, ये जो है चार्जिंग पोर्ट है टाइप टाइप सी USB के लिए. ठीक है, यहाँ पे आप 3.5 mm हेडफोन जैक है. फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं सिम कार्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लोकेशन. यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IR ब्लास्टर, जिससे आप टीवी या AC या जो भी आपको ऑपरेट करना है इसको रिमोट के थ्रू यूज़ करके ऑपरेट कर सकते हैं. यहाँ पे नॉइज़ कैंसलिंग माइक्रोफोन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है. ठीक है, सो नाउ अभी हम आपको सिम कार्ड भी हम चेक कर लेते हैं. सिम कार्ड जो प्रोटेक्टर है पोर्ट है, और 2 और 3 पोर्ट दिया हुआ है. लेट्स फाइंड आउट. ठीक है, सो यस, ये जो है वो 3 सिम कार्ड का दिया हुआ है, यानी 2 सेपरेट सिम कार्ड एंड 1 फॉर माइक्रो SD कार्ड. सो ओवरऑल उसके वेट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 199 ग्राम मीन्स 200 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली है
ये प्लास्टिक फ्रेम होने की वजह से भी उसका वेट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब उसके डिस्प्ले की बात करें तो ये IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है 6.53 इंच की। ठीक है, उसका जो बॉडी रेशियो भी ऑलमोस्ट कह सकते 83.5% के हिसाब से है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। फ़ोन को स्टार्ट करते हैं तो फ़ोन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टे ट्यून टू द लास्ट टू दिस वीडियो। अभी मैंने फ़ोन स्टार्ट कर दिया है, लेट्स सी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग MI की एप्लीकेशन ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आ रही है तो वो हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ़ोन में क्लीन मास्टर ऑलरेडी इंस्टॉल था, उसके बाद सिस्टम अपडेट आया, मैंने सिस्टम अपडेट किया, आफ्टर दैट क्लीन मास्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस फोन। ठीक है, और यहाँ जाते हैं सेटिंग्स में और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे MIUI 12 है जो बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 के ऊपर है। ठीक, इसका जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Helio G85 12 NM। ठीक है, तो ये गेमिंग प्रोसेसर है और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है इस फोन पे। लेट्स टॉक अबाउट फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक सिक्योरिटी फीचर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ये फ़ोन होल्ड करते हैं ड्यू टू दिस बिग डिस्प्ले एंड ऑल, सो जो जब होल्ड करते हैं तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो सही से फिंगरप्रिंट सेंसर तक रीच नहीं कर पाती है। मीन्स जो अकॉर्डिंग टू मी जो फिंगरप्रिंट सेंसर की जो पोजिशन है वो स्लाइटली अबो है। So fingerprint is fast and reliable. Now we will try to test face unlock. Yeah, see, you can see it's already open. Good. You can see the face unlock is also open. Yeah. Sensors के बारे में बात करें तो इसमें सारे sensors आ जाते हैं। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूँगा तो अभी तक मैंने उसका जो भी इंडोर टेस्ट किया है वीडियो कलर एंड एवरीथिंग नो इट्स क्वाइट ब्राइट एंड गुड। बैटरी की बात करें तो इसमें 5020 mAh की बैटरी आती है विद 22.5 W फास्ट चार्जिंग। जब फ़ोन को चार्ज किया तो पता चला कि फ़ोन के साथ बॉक्स में 22.5 W फास्ट चार्जर आता है लेकिन जो फ़ोन है वो ओनली 18 W को ही सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि वो 18 W को ही सपोर्ट करता है। 9 W रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है विथ वायर। ये फ़ोन की जो कैमरा ऐप है इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स एंड सेंसर्स विच यू कैन यूज़ इट वाइल यू क्लिकिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोस। दो फोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने एक सनलाइट में क्लिक किया था एक इवनिंग में क्लिक किया था विच यू कांट डिफ्रेंशिएट इट कौन सा सनलाइट में लिया हुआ है और कौन सा इवनिंग में। इट्स मीन्स डैम गुड। उसका एंटीटू परफॉर्मेंस टेस्ट किया विच कम्स मोर देन 2 lakh इट इज़ क्वाइट डिसेंट। टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज मुझे लगता है जो अभी प्राइस रेंज मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ विद दिस 3 डिफरेंट वेरियंट मॉडल्स दैट इज़ क्वाइट डिसेंट फोन। इस फोन में आपको मिल जाता है बिग डिस्प्ले विथ गुड ब्राइटनेस इन सनलाइट इवन इन लो लाइट ऑल्सो, बिग बैटरी विथ 9 W रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन, 48 MP अल क्वाड कैमरा, MediaTek Helio G85 प्रोसेसर विथ अपडेटेड सिक्योरिटी पैच लेवल्स। आई जस्ट ओनली फाउंड वन स्लाइट डाउनग्रेड इन दिस फोन दैट इज If you compare with Redmi 8 Note 8 or something, के उनके पीछे का जो था वो प्लास्टिक बैग नहीं था ग्लास बैग था और इस फोन में प्लास्टिक बैग है दैट इज़ ओनली द वन थिंग। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि इसमें ग्लास बैग होना चाहिए था। अदर देन दिस फोन इज़ अ डेफिनेटली अ गुड बाय। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक एंड कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज आप शेयर कीजिए मेरे साथ and please subscribe my channel and share my videos with your friends and family. See you in next video.
Till then, stay happy, stay healthy.